हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गौर बंगा में निकाला गया है, जहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए और पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो आया वो यूनिवर्सिटी ऑफ गौर बंगा से आया, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है, इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एकेडमी लेवल 14 है, और यहाँ पे जो पे ग्रेड है वो यहाँ मेंशन कर रखा है 1,44,200 का जो है यहाँ पे आपको पे ग्रेड मिलेगा। साथ ही साथ आपको जितने भी अदर जो पे अलाउंस है, जैसे DA, TA, HRA, वो सारा जो है आपको यहाँ पे एज पर स्टेट गवर्नमेंट और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की। तो देखिए, यहाँ प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज भी दे रखी है और सब्जेक्ट वाइज भी दे रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी यहाँ पे निकाला गया। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी है और उसमें कितनी वैकेंसीज है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे देखिए, आपकी एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली या इंग्लिश इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे बंगाली आपको आनी कंपलसरी है, अगर आपको बंगाली आती है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो आपको 2,500 रुपीज पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे अकाउंट नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC, तो ये सारा मेंशन कर रखा है। आपको इसमें जो है अपना जो फी है वो पे करना है, और साथ ही साथ इसका जो भी प्रूफ है वो आपको सेंड करना है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना फी पेमेंट का या एप्लीकेशन फी का, और उसको आपको जो है एज अ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, आपका PhD होना चाहिए और आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने अपना PhD स्टूडेंट या डॉक्टर स्टूडेंट्स को जो है वो रिसर्च गाइडेंस में आपने गाइड किया होना चाहिए, और जो आपका API इंडेक्स है वो अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो है रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फी इज टू बी पेड ओनली थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट नंबर बाय 11 जनवरी। तो यहाँ पे देखिए, 11 जनवरी जो तक जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुँच जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्कैन कॉपी होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अलॉन्ग विद योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी थ्रू mail ID। तो यहाँ पे देखिए, आपको mail ID के थ्रू जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो देखिए, अगर आप जो मेल लिख रहे होंगे तो उसमें आप पोस्ट नेम क्लियरली मेंशन करिए, सब्जेक्ट नेम क्लियरली मेंशन करिए, और जो अपना नाम है वो भी क्लियरली मेंशन करिए। इसके अलावा आपको अपना डूली साइंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको सिग्नेचर करना है, साथ ही साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपके या जितने पब्लिकेशन सब पे आप जो है सेपरेट स्टेट स्कैन कॉपी जो है वो आपको सेंड कर दें। इसके अलावा आपको एक्नॉलेजमेंट जो कि फी पेमेंट का प्रूफ वो सब जो है वो भी आपको जो है वो सेंड करना है अटैचमेंट 3 की फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्मेट में जो है अपना जो लाइक एप्लीकेशन है वो सेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सेम का आपको जो है एप्लीकेशन और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किए वो भी आपको सेंड करना, हार्ड कॉपी उसकी सेंड करनी, और एड्रेस हमें मेंशन कर रखा है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ गौर बंगा मालदा मखदुमपुर मालदा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है, तो आपको ये जो है अपना एप्लीकेशन और अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी आपको जो है सेंड करने बाय जनवरी 13, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है इंस्ट्रक्शंस, तो वो आप पढ़ सकते हैं कि जैसे एप्लीकेशन आपने एक बार फ़ी पे कर दी तो उसके बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट रिफंड नहीं होगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PG होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपका CSI UGC नेट भी होना चाहिए। वहीं अगर आप 2009 से पहले अगर आपने जो है PhD में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जो है मिनिमम जो है आपका PhD डिग्री होना चाहिए, ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके थीसिस के साथ, और आपने अपने जो 2 पेपर उसे प्रेजेंट किया होना चाहिए सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, PG डिग्री इन 11 सब्जेक्ट प्लस नेट प्लस अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो अच्छी बात है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका API इंडेक्स होना चाहिए वो 300 पॉइंट होना चाहिए। वहीं अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपका
जो लाइक एपीआई इंडेक्स है 4 पॉइंट तक होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एपीआई इंडेक्स मेंशन कर रखें। ये डिपेंड करता है आप कौन से लाइक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।